द एन ई एंड ई सी रेलवे एम्प्लाइज मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक गोरखपुर के सामान्य निकाय के सदस्यों का 97वां वार्षिक बैठक शुक्रवार को रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट परिसर में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष ब्रजेश सिंह, सेक्रेटरी सुनील सिंह, उपाध्यक्ष अनुराग खरे, राहुल श्रीवास्तव सहित कोऑपरेटिव बैंक के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद का दायित्व पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल, उपाध्यक्ष पद का दायित्व FNCO को सर्वसम्मति से सौंपा गया। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की तरफ से मांग रखा गया कि पेंशन भोगियों की अधिकतम धनराशि 60,000 रुपया मासिक निर्धारित किया जाए। वहीं बैंक के कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान बैंक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सबके समक्ष रखकर सर्वसम्मति से पास किया गया। मल्टी के कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 2002-43 की धारा 73 एवं 74 में प्रदत्त अधिकारों के 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का मूल साक्ष्य सुविधा करके लेखा परीक्षा किया। ये उनका सर्टिफिकेट है। 2018 का वो 63,1,636 रुपए है। अब उसमें से रिजर्व फंड के लिए 25% देना ही पड़ता है प्रॉफिट का, वो हो गया 17,75,400 रुपए। कोऑपरेटिव वेरिफिकेशन फंड 1% 630 के वितरण में 50 पैसे के कम के लाभांश को राउंड